अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बखैर होंगे। आइए आज हम अपने नए वीडियो के साथ फिर एक बार आपके सामने हाजिर है। मैं हूं शेख जाकिर बशीर, असिस्टेंट टीचर इकरा शाहनूर हाई स्कूल मेहरून जलगांव। अजीज तुलबा, आज हम जो आपके सामने लेसन जिसका लाइन बाय लाइन उर्दू में तर्जुमा देखने जा रहे हैं, वो यूनिट नंबर 2 से ताल्लुक रखता है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेरिटेज। ये 2.6 लेसन है, यानी यूनिट नंबर 2 का ये आखिरी लेसन है। वर्ल्ड हेरिटेज ये यूनेस्को के तहत चलने वाली जो है तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें दुनिया में जितने भी कल्चरल और नेचुरल साइट्स है, उन तमाम साइट्स की हिफाजत कैसे की जाती है, उन साइट्स की हिफाजत करने के पीछे क्या तारीख है, और उसको जो है तो यानी उन साइट को जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और कौन कौन सी साइट जो है तो फिलहाल अभी खतरे में चल रही है, ये तमाम चीजों का जिक्र आज हम इस लेसन के तहत देखने जा रहे हैं। वर्ल्ड हेरिटेज एक इंफॉर्मेटिव लेसन है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस सबक के जरिए मिल सकती है। आज हम इसी का लाइन बाय लाइन तर्जुमा देखने जा रहे हैं। चलिए आज पीरियड नंबर 1 है, हम इसे भी हम कुछ पीरियड्स में 3 या 4 पीरियड में हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे। आज पहले पीरियड में हम इस सबक का सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने जो आपको टाइटल दिखाई दे रहा है वो है वर्ल्ड हेरिटेज। इट इज 2.6 लेसन फ्रॉम योर एसएससी स्टैंडर्ड। ये आपकी 10वीं जमात पे से 2.6 लेसन है। वर्ल्ड हेरिटेज के मानी होते हैं आलमी विरसा, यानी दुनिया में जितनी भी जो है तो ऐसी साइट्स है जो कि कल्चरली और नेचुरली या दोनों एतबार से मशहूर है बैनुल अक्वामी लेवल पर, उन साइट्स का जिक्र इन लेसन में या इस टॉपिक में जो है तो किया गया है। चलिए पहले हम इस लेसन का जो है तो मुख्तसरन इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले पीरियड के अंदर अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनेस्को का फुल फॉर्म है, यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशंस, ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर साइंटिफिक, सी फॉर कल्चरल एंड ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। इट मींस अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अ साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज यूनेस्को। आलमी विरसे का मकाम नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल साइट जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके जरिए मुतय्यन किया जाता है, यानी यूनेस्को जो है इन तमाम वर्ल्ड हेरिटेज साइट को जो है तो मुतय्यन करती है, फाइनल करती है। टू हैव सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनेस्को, और ये मुतय्यन जो होता है ये मुतय्यन यूनेस्को के जरिए होता है। इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, ये दुनिया की जो है आलमी विरसे की कमेटी है जो इन तमाम बातों का ख्याल रखती है। बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर द प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, ये ऐसे मकाम होते हैं जो इंसानियत के लिए तहजीबी या कुदरती अहमियत के हामिल होते हैं। यानी यूनेस्को उन साइट्स का सिलेक्शन करती है जो तहजीबी दैट इज कल्चरली एंड कुदरती दैट इज नेचुरली, यानी जो कुदरती तौर पे बनी है या फिर जैसे जो हमारे कल्चरल अलग अलग ममालिक के उन कल्चरल ममालिक के हिसाब से जो साइट्स बनी है उन साइट्स को जो है यूनेस्को अपने अंडर में लेती है, ऑब्जर्व करती है और वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर
डिक्लेयर की जाती है या ऐलान की जाती है। दे वैरी, दे वैरी दैट आर सिग्निफिकेंट, दे वैरी इन अ टाइप एंड इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक, मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग एंड साइट्स। ये जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती है बैन अलाकवामी लेवल पर या आलमी सतह पर, ये जो साइट्स होती है ये इनकी तहफुज की जिम्मेदारी जो है वो इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज की तरफ रखी गई है। ये अलग अलग तौर पे जो है तो अलग अलग जगहों को इसमें शामिल किया जाता है। वेरी मीन्स अलग अलग, वर्ल्ड इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज जो है ये इसकी हिफाजत करती है और ये अलग अलग होती है। ये जो साइट्स इसमें शामिल होती है इसमें अहम और वकी मकामात ही आलमी वर्षे के मकामात में शामिल किए जाते हैं, यानी जो अहम मकामात होते हैं वही जो है तो इसमें शामिल किए जाते हैं। इसलिए इनमें तनु पाया जाता है या इनमें जो तो फर्क पाया जाता है, लिहाजा इनमें जनरली जिन चीजों को शामिल किया गया है, फॉरेस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जंगलात को भी शामिल किया गया है, लेक्स झीलों को भी तालाबों को भी शामिल किया गया है, मॉन्यूमेंट्स यादगार जो चीजें हैं यादगार।